भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है, लोग अपने आप चाहते हैं, अब तो लाइन लग के आज हम मन बना लें तो आज ही सपा खत्म हो जाएगी, मैं रिकॉर्ड बुक से कह रहा हूँ। तो धांधली और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशों का अंबार है भाजपा के पास। उनकी पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए और राजभर जी से पूछना चाहिए, लेकिन यह न तो हमारे पार्टी के नेता है, हमारे सहयोगी दल है, सहयोगी दल की भूमिका में, इसलिए ये सवाल उनसे पूछना ज्यादा उचित होगा। मंत्री जी, राज्यसभा जो चुनाव हुआ है क्रॉस वोटिंग हुई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस्तीफा दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, रसगुल्ला दिया गया। वो जरा अंतरात्मा टटोल के देख लें कि 12 से 17 के बीच में और उससे पहले जब जब सत्ता में रहे तब यही काम करते रहे, तो यही करते रहे क्या? पुराना अनुभव है उन्हें। मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है, लोग अपने आप चाहते हैं, अब तो लाइन लग के आज हम मन बना लें तो आज ही सपा खत्म हो जाएगी, मैं रिकॉर्ड बुक से कह रहा हूँ। लेकिन नैतिकता के आधार पर करते हैं हम लोग, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं हम लोग, इस तरह के खरीद फरोख्त वालों कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं। और आज चूंकि जन दबाव में बड़े बड़े जन वो तो चाहते ही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दें, संविधान खत्म करने में लगे ही हुए हैं, तो इनकी भाषा से ही हम लोगों को सचेत होना चाहिए कि ये लोग संविधान को और लोकतंत्र को देश में पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। सिंह कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त करती रही समाजवादी पार्टी, इसी तरीके से मैं समझती हूँ हमारे पास मेयर का चुनाव एक एग्जांपल है जो पंजाब में हुए हैं, किस तरह धांधली हुई, जो हमारी यहाँ से जो कमल राजपूत जी की जो पत्नी लड़ी थी उनके साथ उनको हराया गया, यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव में जीती जिताई थी वो और उनको हराया गया। तो मैं समझती हूँ धांधली और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशों का अंबार है भाजपा के पास। मैडम, वो विकास राजपति ने अभी हस्तरंजन मिश्रा पर बैठे हुए, उन पर कहा कि वह लाठी खाने लायक ही, उन्होंने कहा कि लाठी खाने लायक ही छात्र ओम प्रकाश राजपूत जी का बयान। मैं समझती हूँ उनको समझना चाहिए कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो कितने अपने आप को परास्त महसूस कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, पेपर भरते हैं, पैसा खर्च करके पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके मन में कितनी हताशा होती होगी। तो इस तरह की बात करके वो खाना चाहते हैं, वो कितने इनसेंसिटिव है। पर टूरिज्म मिनिस्टर ने जो बयान दिया है कि कल हम चाहे तो कल समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, कैसे लेती हैं? मैंने अभी इस बात का जवाब दिया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा करेगी और जो भाजपा है ये पूरी तरह से पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और संविधान को भी मिटाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई बहुत ही ज़रूरी है कि सब लोग, सब जाति और वर्ग के लोग आएं और संविधान को बचाने में समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा बच्चों को ना मिले, अच्छा स्वास्थ्य सेवाए ना मिले, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चों कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये बड़ी बड़ी ट्रिपल ट्रिलियन और डॉलर की इकोनॉमी की तो बात करते हैं, लेकिन धरातल पे जब आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 80 की 80 सीटों में वो मैनपुरी को भी गिन रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं अपना, अरे मैनपुरी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।